एवरीवन, आज हम बनाएंगे रेशमी कबाब। ये सीख कबाब के जैसे ही रहेंगे, बट इनको हम शेप देंगे शामी कबाब जैसे। इसका नाम है रेशमी कबाब। हमने अभी फिलहाल कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। ये है कीमा, आधा किलो है। आप चाहिए तो ये बीफ का कीमा है आधा किलो, आप चाहिए तो मटन का भी ले सकते हो या फिर चिकन का भी ले सकते हो। इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देगा चिकन में भी। यहाँ मैंने नमक लिया है 1 स्पून, और ये मैंने 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से मैरिनेट करके 1 आवर तक फ्रिज में रखेंगे लगभग। अगर आप चाहते हो, अगर शाम में बना रहे हो तो आप इसको सवेरे भी मैरिनेट करके रख सकते हो। वैसे इसको मैक्सिमम 1 घंटा तो रखिए आप इसको मैरिनेट करके, सिर्फ अदरक लहसुन और नमक। आप चाहो तो इसमें कच्चा पपीता का पेस्ट भी डाल सकते हो। और अगर ये मैंने नमक डाल दिया है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, कच्चा पपीते का पेस्ट तो ऑप्शनल है, आप चाहिए तो डाल सकते हो वरना नहीं। मैंने इसमें नहीं इस्तेमाल किया है। ये हम अच्छे से इसको मिक्स कीजिए 1 मिनट तक। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको रेफ्रिजरेट कर देंगे 1 घंटे के लिए। उसके बाद इसके दूसरे इंग्रेडिएंट्स निकाल के हम इसको बना लेंगे। इसको ऐसे बीच में से अच्छे मिक्स करने से अदरक लहसुन का और नमक का फ्लेवर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा। बाकी सारे मसालों में हमें इसको पीसना ही है। ये चिकन में भी आप चाहिए तो ट्राई कर सकते हो, चिकन कीमा में। ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। अब इसको हम रख देंगे रेफ्रिजरेट होने के लिए। ये बोनलेस लेना है आपको कीमा, क्योंकि हमें नेक्स्ट इसको फ्रिज में भी पीसना है इसलिए। तो हमारा ये मैरिनेशन का जो कीमा था वो अभी होने ही वाला है। तो तब तक के लिए हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जो हमें पीसना होगा। मैंने एक मीडियम प्याज ली है, कोथमीर पुदीना लिया है 1 कप, 3 से 4 हरी मिर्चें, और हमने लिया है 1 टेबलस्पून क्रीम। पानी आपको जितना लगेगा आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने 2 पीसेस ब्रेड के लिए हैं, ये चने का पाउडर, जो चिकपीस होते हैं बड़े काबुली चने, उसका पाउडर है। अगर वो नहीं है तो बेसन भी ले सकते हो आप। ये है हल्दी, गरम मसाला, और ये है ज़ीरा कुटा हुआ, ज़ीरे का पाउडर ले सकते हो आप। ये है मक्खन और लाल मिर्च पाउडर। इन अब हम लेंगे एक जार, प्याज डाल लेते हैं, कोथमीर और पुदीना डाल लेते हैं इसमें, और इसमें डाल लेंगे हरी मिर्चों को और इन ब्रेड्स को। ब्रेड्स के आप ऐसे पीसेस करके ऐसे आप डाल सकते हो। तो अब ये जो है, अब इसको हम पीस लेंगे। पहले इसको पीसेंगे, बाद में इन सब चीज़ों को हम ऐड करेंगे। इसको आप पीस लें। तो ये मैंने पीस लिया है मोटा मोटा, सिर्फ प्याज, कोथमीर, पुदीना और यहाँ पे हरी मिर्ची हमने पीस ली है। अब हम यहाँ पे डालेंगे कीमे को। इस सारा कीमा हमारा मैरिनेट हो चुका है, ये भी इसमें डाल दीजिए जार में। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम, जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में बताया था, और इसमें डालेंगे मक्खन, जो इंग्रेडिएंट्स में हमने ऑलरेडी ले लिया था। अगर बीच में लगेगा तो इसको पीसने के टाइम पे आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें हम ऐड कर देंगे इन सारे मसालों को, चने का पाउडर, हल्दी, ज़ीरे का पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। अब मैंने यहाँ डाल दिया है सारे मसालों को। अब इसको हम पीस लेंगे। अगर लगेगा तो आप थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हो, 2 स्पून। यहाँ पे मसाला अच्छे से पिस चुका है, ये देखिए ऐसे बारीक पीस चुका है। अब इसको हम निकालेंगे एक बाउल में। अब इसको हमें बनाने के लिए कुछ स्टिक्स भी चाहिए, ऐसी
सीख रेशमी कबाब है ये, तो ऐसे स्टिक्स की भी आपको जरूरत पड़ेगी। अगर ना हो तो आप इसके पैटिस बना के इसको फ्राई कर सकते हो। मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसको कैसे सीख में लगाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक कि ये सीख रेडी करेंगे हम, एक तवे को रेडी कर लीजिए, इसको ग्रीस कर दीजिए ऑयल से ताकि ये गर्म हो सके। आपको पहले हाथों को अच्छे से ऑयली ग्रीस कर लेना होगा, फिर ये स्टिक लेकर आपको इन स्टिक्स में, अगर ये आपको लगता है कि ये पतला हो चुका है तो इसमें थोड़ा सा आप चने का आटा और डालकर मिला सकते हो। ऐसे आप इसको रोल कर दीजिए। ऐसे पतले रोल करने से ये बराबर से ये हो जाएगा, इसमें लग जाएगा। और अब हम इसको रख देंगे पैन पर दोनों तरफ। अभी ऐसे तवे पे डालकर दोनों तरफ से ऑयल इसके ऊपर डालकर आप इसको 3-3 मिनट्स के लिए दोनों तरफ से पका लें अच्छे से। बीच बीच में इसके ऊपर ग्रीस करते रहिए ऑयल से, लो फ्लेम मीडियम फ्लेम पर इसको पकाइए। जब ये ब्राउनिश गोल्डन ब्राउनिश हो जाए तो इसको, यहाँ पे मैंने सीख कबाब और पैटिस दोनों बना दिया है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सीख रेशमी कबाब को, और कुक इट, ईट इट, रिपीट इट। हैव अ गुड डे। बाय बाय।